बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रेनिंग कोर्स का 17 लेक्चर है। आज मैं आपको मेलिंग टैब में इनवेलप एंड लेबल्स ऑप्शन के मुकम्मल यूज़ के बारे में बताऊंगा। आमतौर पर ये समझा जाता है कि इनवेलप टूल को इनवेलप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है व्यूअर्स। इनवेलप टूल को इनवेलप पर दिए गए कॉन्टेंट्स, मसलन सेंडर और रिसीवर के एड्रेस की मुकम्मल सेटिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि इनवेलप बनाने के लिए। इनवेलप आप मार्केट से परचेज़ करेंगे और उसके पीछे जो एड्रेस है वो आपने एड्रेस की सेटिंग और पेपर का साइज़ वगैरह, ये तमाम के तमाम टूल्स आपको ये इनवेलप का जो ग्रुप है, इनवेलप का डायलॉग बॉक्स आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो व्यूअर्स, हम ये कह सकते हैं बेसिकली इनवेलप की प्रिंटिंग की सेटिंग्स के लिए हम इनवेलप को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं, सीखते हैं किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनवेलप्स की सेटिंग कर सकते हैं, इनवेलप की प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकते हैं और लेबल्स बना सकते हैं। लेबल क्या होता है व्यूअर्स? लेबल के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन मैंने पहले दी है, पहले इनवेलप की पढ़ लेते हैं। इनवेलप्स इनेबल्स यू टू सेलेक्ट इनवेलप्स फॉर सेंडिंग योर मेल, यू कैन सेट आउट साइजेस एंड फॉर्मेट। तो यहाँ पर भी ये बताया हुआ है कि इस ऑप्शन के जरिए से हम इनवेलप बनाएंगे नहीं, बल्कि उसकी सेटिंग करेंगे, उसके साइज़ की और उसके एड्रेसेस के फॉर्मेट की, ठीक है। दूसरा, लेबल क्या होते हैं व्यूअर्स? यू कैन क्रिएट लेबल फ्रॉम सेंडिंग योर मेल, एड्रेसेस लेबल्स, लेबल्स फॉर स्टूडेंट्स, ये इसकी मिसालें हैं। तो लेबल होते हैं दरअसल स्लिप्स। अब जैसे कि आपने जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट के जो बुक्स वगैरह हैं उस पर आपने स्लिप्स लगानी है, उसका या रिजल्ट कार्ड है, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के रिजल्ट कार्ड पर आपने स्लिप्स लगानी है, उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए नेम ऑफ स्टूडेंट्स, रोल नंबर, क्लास, फादर्स नेम, तो यहाँ पर आपने स्लिप्स बना लेनी है। अगर मैनुअली आप बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम आपका लगेगा, आप एक स्लिप को बनाएंगे बॉक्स के अंदर, फिर उसको कॉपी पेस्ट करेंगे पूरे पेज पर, तो बहुत सा टाइम आपका कंज्यूम होगा। तो व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेबल की प्रॉपर्टी के जरिए से ये काम आप सेकंडों में कर सकते हैं। तो सीखते हैं व्यूअर्स, सबसे पहले इनवेलप पर चलते हैं। आपने मेलिंग टैब में इनवेलप पर क्लिक करना है तो इनवेलप का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। अब व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मेजरमेंट है वो मैंने इंचज़ में की हुई है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था किस तरह से करते हैं। आपने फाइल पर जाना है, यहाँ पर ऑप्शन पर जाना है, तो आपके पास वर्ड ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने एडवांस पर जाना है और डिस्प्ले ग्रुप के अंदर आपने, ये डिस्प्ले ग्रुप आ गया, इसके अंदर आपने शो मेजरमेंट इन यूनिट्स यहाँ से इंचेस में कर लेनी है। अगर आपके पास सेंटीमीटर में है इंचेस में कर लें, अगर आप दोबारा सेंटीमीटर पर करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें। यहाँ और भी मेजरमेंट्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं व्यूअर्स। इस वक्त मेरे पास ये इंचेस में है, तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ व्यूअर्स। इनवेलप पर क्लिक करते हैं, ये इनवेलप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर दो टैब्स हैं, इनवेलप के और लेबल का, तो सबसे पहले इनवेलप के बारे में सीखते हैं। अब व्यूअर्स, इस डायलॉग बॉक्स में दो पोर्शन हैं, एक है डिलीवरी एड्रेस, एक है रिटर्न एड्रेस। तो इनवेलप पर आपने जिस शख्स को आप भेज रहे हैं, जिसको कहते हैं रिसीवर, उसका एड्रेस दे देना है पहले, रिसीवर एड्रेस। यहाँ पर मैं फर्जी एड्रेस दे देता हूँ, ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मुल्तान पाकिस्तान, ठीक है, ये मैंने एक फर्जी एड्रेस ले लिया। अब यहाँ पर रिटर्न एड्रेस है, रिटर्न एड्रेस कहते हैं सेंडर के एड्रेस को, तो इसको रिटर्न एड्रेस भी कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि व्यूअर्स, अगर आपका लेटर इस एड्रेस पर डिलीवर नहीं होता तो वापस किस एड्रेस पर आए, तो वो एड्रेस सेंडर का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं रिटर्न एड्रेस फ्रॉम, किसकी तरफ से लेटर जा रहा है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ PH PS Studies ठीक है, ये मैंने एक एड्रेस ले लिया। अब व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने सेंडर का और रिसीवर दोनों के एड्रेस दे दिए हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑप्शंस पर क्लिक करना है। आपके पास इनवेलप ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके दो टैब हैं, इनवेलप ऑप्शन है और प्रिंटिंग ऑप्शन है। इनवेलप ऑप्शन के अंदर आपने साइज सेलेक्ट करना है, जो साइज इनवेलप का आपके पास मौजूद है, जो आपने प्रिंटर में सेट किया हुआ है, जो आपने प्रिंटर में की ट्रे पर रखा हुआ है, मतलब जिस साइज के ऊपर आपने प्रिंटिंग करनी है, तो वो साइज आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ना डिफरेंट जो डिफॉल्ट साइजेस हैं, स्टैंडर्ड साइजेस हैं, वो यहाँ पहले से दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ इंचज में भी हैं, कुछ मिलीमीटर्स में भी हैं। तो जैसे साइज 10 है, साइज 10 में क्या है, तकरीबन 4 इंचज की लंबाई है और 9.5 इंचज की चौड़ाई है, इंच, ठीक है। अब व्यूअर्स, अगर सबसे पहले आपने जो आपने इनवेलप प्रिंटर में रखा है ना, उसकी साइज देख लेना है, उसकी मेजरमेंट कर लेनी है, उसकी हाइट और विड्थ की। अगर हाइट और विड्थ यहाँ पर दिए गए किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं आ रही, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने चले जाना है कस्टम साइज पर। ये देखें, सबसे नीचे है कस्टम साइज।
इस पर जाने के बाद जितनी उसकी हाइट होगी और जितनी विड्थ होगी आपने यहाँ पर दे देनी है और ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर पहले से मौजूद है साइज़ तो आपने उस साइज़ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब व्यूअर्स यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, डिलीवरी एड्रेस की और रिटर्न एड्रेस की। डिलीवरी एड्रेस को आपने फॉर्मेट करना है, ये देखें ये फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स सेम ओपन हो गया है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये डिलीवरी एड्रेस को मैंने बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर है फ्रॉम लेफ्ट, अब लेफ्ट से इसका मार्जिन सेट करना है आपने। ठीक है, अब आप ये इसके ऊपर गौर करना, ये रिसीवर का एड्रेस जो इन्वेलप पर प्रिंट होगा इसका मार्जिन यहाँ से लेफ्ट से आपने इंक्रीज करना है। ये देखें यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये सिर्फ 1.1 इंच है, ये देखें ये इंक्रीज होता जा रहा है। जहाँ पर आपने एडजस्ट करना है वहाँ पर आप रख सकते हैं। जो ऑटो है इसका मतलब ये होता है डिफ़ॉल्ट मार्जिन। ठीक है, अब टॉप, टॉप से इसका मार्जिन ये देखें, ये टॉप से इस वक्त ये 2 इंच हो गया टॉप से। जितना भी आपने करना है आप उसको सेट कर सकते हैं। अगर आपने डिफ़ॉल्ट रखना है तो आप यहाँ पर ऑटो कर दें, दोनों तरफ ऑटो कर दें तो ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मार्जिन सेट हो जाएगा। ये है डिलीवरी एड्रेस का मार्जिन और उसकी फॉर्मेटिंग, और ये है रिटर्न एड्रेस की, जो कंपनी जो सेंड कर रही है उसका एड्रेस। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इटैलिक कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब ये इन्वेलप की ऑप्शंस यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं प्रिंटिंग ऑप्शन की तरफ। अब व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं ज़रा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर व्यूअर्स फीड मेथड दिया हुआ है। फीड मेथड कहते हैं आपने इन्वेलप किस तरह से ट्रे में रखना है। ठीक है, अब ये देखें ये जो है ये इन्होंने यहाँ पर ट्रे बनाई हुई है। ठीक है, अगर आप इन्वेलप को इस तरह से रखते हैं यानी राइट तरफ आप उसके एडजस्टमेंट करते हैं और लैंडस्केप सूरत में, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपने उसको ट्रे में सेंटर में रखना है तो इस तरह इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने उसको ट्रे के अंदर राइट तरफ रखना है तो इस तरह क्लिक कर देंगे। अब ये तीन ऑप्शन जो हैं ये लैंडस्केप की हैं और ये तीन ऑप्शन पोर्ट्रेट की हैं। ठीक है, अगर आपने उसको लेफ्ट तरफ रखना है पोर्ट्रेट में तो इस पर क्लिक कर दें। अगर आपने उसको मिडल में रखना है, सेंटर में रखना है पोर्ट्रेट में, तो इस पर क्लिक कर दें। तो इस वक्त जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑप्शन है वो यही सिलेक्ट हुई भी होती है, तो इसको ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद व्यूअर्स देखें ये फॉर्मेटिंग हो गई है जिस तरह से मैंने किया था। जो मैंने डिलीवरी एड्रेस है बोल्ड कर दिया था और जो रिसीवर सेंडर एड्रेस है, रिटर्न एड्रेस है, वो मैंने इटैलिक कर दिया था। अब आपने ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी व्यूअर्स, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज अ डिफ़ॉल्ट रिटर्न एड्रेस। तो व्यूअर्स ये जो एड्रेस मैंने यहाँ पर दिया है, अब ये हमारी कंपनी का एड्रेस है, वो कह रहा है कि आप इसको डिफ़ॉल्ट रिटर्न एड्रेस सेव करना चाहते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा जब आप दोबारा से इन्वेलप और लेबल की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एड्रेस यहाँ पर मौजूद होगा। मैं इसको येस कर देता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट सेट हो गया। ये देखें ये इन्वेलप यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये सेंडर का एड्रेस आ रहा है, ये रिसीवर का एड्रेस आ रहा है, जिस तरह हमने इसको फॉर्मेट किया था बिल्कुल वैसे ही शो हो रहा है। और अगर आपकी सेटिंग इसको पसंद नहीं आई है, इसकी सेटिंग आपको, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे, बॉक्स के ऊपर माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे और उसको कहीं भी आप रख सकते हैं। तो इसकी सेटिंग्स आप किसी भी सूरत में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से इसकी सेटिंग करें। अब आपने इसको प्रिंट दे देना है और इसको रखना कैसे है, ट्रे के अंदर जो यहाँ से आपने सेलेक्ट किया होगा आपने उस बिल्कुल उसी पोजीशन में ट्रे में रखना है। अगर आप गलत रख देते हैं व्यूअर्स, जैसे ये इन्वेलप के अंदर हमने ऑप्शन में गए थे, ये देखें बिल्कुल आपने इसी पोजीशन में ट्रे में रखना है। ठीक है, इसको इस तरह टर्न करके आपने ट्रे के अंदर बिल्कुल सेंटर में रखना है। ठीक है व्यूअर्स, अगर आप ट्रे के अंदर उसको लिटा के रख देते हैं, मतलब लैंडस्केप सूरत में रख देते हैं, तो प्रिंटिंग जो है हमारी वो गलत होगी, वो इन्वेलप के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से नहीं होगी जिस तरह से यहाँ पर शो हो रही है। तो व्यूअर्स ये था इन्वेलप के हवाले से। अब हम चलते हैं लेबल्स की तरफ। तो यहाँ पर हम लेबल्स पर काम करते हैं, लेबल्स पर क्लिक करें, ये लेबल का ऑप्शन जो है ओपन हो गई। अब हमने इस रिटर्न एड्रेस को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा यूज़ रिटर्न एड्रेस, तो ये देखें वो रिटर्न एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। तो लेबल आपने जिसके भी बनाने हैं यहाँ पर उसका एड्रेस लिख देना है, जैसे कि ये एड्रेस है, मैंने इसको लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद व्यूअर्स इसकी भी ऑप्शंस हैं, इसकी ऑप्शंस पर चले जाते हैं। इसकी ऑप्शन में सबसे पहले है लेबल वेंडर्स हैं, ये कंपनीज हैं मुख्तलिफ, यहाँ पर आप जिसका लेबल सेलेक्ट करेंगे उसी की ऑप्शन आ जाएंगी। तो लेबल्स आमतौर पर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ये A1 वेंडर, इसका लेबल सेलेक्ट करते हैं। अब इसकी फर्दर ऑप्शन आ जाएंगी, प्रोडक्ट नंबर, इसमें क्या होता है व्यूअर्स, अब इस वक्त ये फर्स्ट सेलेक्ट है 26501, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। इसका पेपर का साइज़ A4 होगा,
और 8 लेबल आएंगे एक पेज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सेकंड पे, अब इसके अंदर 12 लेबल आएंगे, तो हम इसको 12 वाले पे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी मज़ीद डिटेल्स हैं, ये देखें, इस पर क्लिक करें तो इसके मार्जिन आ जाएंगे। अब ये जो है व्यूअर्स, ये समझने वाली चीज़ है, इसके अंदर व्यूअर्स जो फर्स्ट प्रीव्यू वाला पोर्शन है, इसमें आपको मैं समझाऊंगा कि मार्जिन क्या होते हैं। अब जितने भी यहाँ पर जो दूसरा पोर्शन है, इसके अंदर टोटल मार्जिन दिए गए हैं, टोटल 8 मार्जिन हैं ये। देखें यहाँ पर पेपर साइज सेलेक्ट हुआ है A4, उसके बाद ये मार्जिन हैं, सबसे पहले टॉप मार्जिन है। अब आपने यहाँ पर देखना है जो हमारे लेबल के ऊपर का जो यहाँ का मार्जिन होगा वो आपने कितना रखना है। ये देखें, यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा तो ये मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है, इसको मैं डिक्रीज़ करूँगा तो ये मार्जिन डिक्रीज़ हो रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 1/2 इंच, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है साइड मार्जिन। अब ये जो लेफ्ट तरफ वाला मार्जिन होता है इसको साइड मार्जिन कहते हैं, ये कितना रखना है इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसको भी मैं 1/2 इंच कर देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से छोटा होता जा रहा है, ये देखें, इसको भी मैंने 1/2 इंच कर दिया। अब व्यूअर्स, ये समझने वाली चीज़ें हैं वर्टिकल पिच और हॉरिजॉन्टल पिच। दरअसल ये जो लेबल के इस तरफ जो वक्फा है एक लेबल से दूसरे लेबल के दरमियान, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो यहाँ पर नीचे जो वक्फा है इसे कहते हैं वर्टिकल। अब वर्टिकल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि लेबल के यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितनी भी ये लंबाई है इसको वर्टिकल पिच कहा जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा, ये देखें, जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करता जाऊँगा ये वक्फा यहाँ से इंक्रीज़ होता जाएगा, ये देखें इंक्रीज़ हो रहा है, यानी एक लेबल का दूसरे लेबल के दरमियान वक्फा मैंने कर दिया 1.8 इंच। तो ये देखें, इसको मैं 1.5 कर देता हूँ तो ये डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। ये देखें, इसको 1.8 कर दिया। अब ये जो वक्फा है ये 1.8 इंच लग तो नहीं रहा, दरअसल ये यहाँ से लेकर लेबल के शुरू से लेकर यहाँ तक का वक्फा है ये, ठीक है। अब देखें, इसको इंक्रीज़ करता हूँ मैं, जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ ये हमारा लेबल छोटा होता जा रहा है और वक्फा इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ इतना साइज़, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हॉरिजॉन्टल पिच, इसको भी यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ये देखें, इसको भी इस तरह से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसको 3.6 कर देते हैं। ये वक्फा यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल यहाँ पर मेजरमेंट बता रहा है, ये 3.6 इंच बनता है। अब हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वक्फे यहाँ से सेट कर लिए। अब है यहाँ पर लेबल की हाइट, लेबल की ये जो हाइट है ये इसकी मेजरमेंट है, ये 1.5 इंच मैंने कर दी है, ठीक है। लेबल की विड्थ, ये चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 3.4 हुई भी है, इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा, ऑटोमेटिकली जो हमारा ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पिच है ये कम हो जाएगी क्योंकि इसके हमने विड्थ बढ़ा दी है, इसको विड्थ को कम कर देते हैं, देखें, ठीक है। अब नंबर अक्रॉस और नंबर डाउन, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर अक्रॉस का मतलब होता है कॉलम कितने हैं लेबल के, और नंबर डाउन का मतलब होता है रो कितनी है लेबल की। यहाँ पर इस वक्त नंबर आ रहा है 2 कॉलम और 6 रोज, ठीक है। ओके पर क्लिक करें, यहाँ से ओके पर क्लिक करें, और यहाँ पर आपने न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है, तो नए डॉक्यूमेंट पर आपके लेबल प्रिंट हो जाएंगे। ये देखें जी, ये सारे लेबल आपकी प्रिंट हो गए हैं। टॉप पर 0.5 इंच का वक्फा आ गया, साइड पर 0.5 इंच का वक्फा आ गया। उसके बाद व्यूअर्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पिच है ये भी सेट हो चुकी है यहाँ पर, ये देखें। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 कॉलम्स हैं, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, और रो कितनी है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सॉरी, यहाँ पर रोज हम देख लेते हैं कितनी थी, 6 थी या पता नहीं 8 थी। ये ऑप्शंस और डिटेल, सॉरी रो 6 थी, ठीक है, तो 6 रोज यहाँ पर आ चुकी हैं। अब व्यूअर्स, अगर आपने इनके दरमियान वक्फा नहीं रखना, अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये देखें, अब ये एड्रेसेस हैं, इसका आपने प्रिंट निकाल लेना है और हर लेटर के पीछे आप लगा सकते हैं इजीली, बार बार आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका ये फ़ायदा होता है। अब इसकी सेटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आपने प्रिंट के अंदर मार्जिन शो करवाना है तो क्या करेंगे, तमाम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, होम पर जाएंगे और यहाँ पर आप कर देंगे ऑल बॉर्डर्स, ये देखें ऑल बॉर्डर्स, ये देखें। अब आप प्रिंट करेंगे तो इन लेबल के साथ ये बॉर्डर शो होगा, ठीक है। अब इस लेबल को आपने मिडल में लेकर आना है, इसके टेक्स्ट को फिर सिलेक्ट करें, लेआउट पर जाएं, लेआउट पर जाने के बाद यहाँ पर इसको सेंटर में कर दें, ये देखें, ठीक है। ये सेटिंग कौन सी है, यहाँ पर लिखा आ जाएगा अभी, ये हमने की है अलाइन सेंटर। अगर आपने इधर करना है सेंटर लेफ्ट में रखना है तो ये सेंटर लेफ्ट में आ गया। अब इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर लें, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं आप,
उसके अलावा व्यूअर्स इसकी जो लाइन स्पेसिंग है उसको यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये देखें इस तरह कर सकते हैं आप, जैसे भी आप करना चाहें। वन लाइन स्पेस कर दूंगा तो ये बिल्कुल लाइन स्पेस ख़त्म हो जाएगी, और लेआउट में जाके इसको सेंटर में कर देते हैं ये बेहतर है। ये देखें व्यूअर्स, थोड़ा सा साइज़ और इंक्रीज़ कर लें ताकि आपका लेबल जो है वो एनवेलप पे जब प्रिंट हो तो बिल्कुल ठीक नज़र आए। अब व्यूअर्स यहाँ पर मैंने आपको लेबल की सेटिंग के बारे में बता दिया। अब ये दो कॉलम है, एक दो कॉलम, रो कितनी है, छः रोज़ हैं। अगर आपने रोज़ आठ करनी है तो क्या करेंगे आप जाएंगे रेफरेंस टैब पे, लेबल पर जाएंगे, मेलिंग टैब पे जाएंगे, लेबल पर जाएंगे, लेबल की आपने ऑप्शन में चले जाना है, यूज़ रिटर्न एड्रेस ऑप्शन में चले जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपने डिटेल में जाना है, सॉरी यहाँ से ऑप्शन के अंदर आपने सबसे पहले A1 साइज सेलेक्ट करना है। ये A1 साइज आ गया। A1 साइज के बाद यहाँ से उसका देखें, ये 12, ये जो 12 रोज वाला है, ठीक है, ये देखें ये 24 रोज वाला है, हम यहाँ पे कर देते हैं 12 रोज वाला, और साइज कौन सा है, A4 साइज है, ठीक है। ओके पर क्लिक करें और इसको न्यू डॉक्यूमेंट पर हम कर देते हैं। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितनी रोज आ रही हैं, अब 6 यहाँ पर रोज आ रही हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पर व्यूअर्स मैंने इसकी सेटिंग की थी 12 रोज की। अब पेपर का साइज़ कम है तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, लेआउट में जाकर इसका जो साइज़ है ना वो साइज़ आप कर दें यहाँ पर लीगल कर दें, ठीक है। अब देखें आप पेपर की साइज़, अब यहाँ पर हमारे पास और स्पेस भी आ गई है, तो आप यहाँ पर मेलिंग्स पर जाएं, लेबल्स पर जाएं, और यहाँ से आप ऑप्शन पर जाएं, और 12 लेबल्स हैं, ओके, और न्यू डॉक्यूमेंट, ये देखें अब ये कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गए, 6 और 6, 12। अच्छा, ये टोटल लेबल्स की तादाद बता रहा है, रोज़ की तादाद नहीं बता रहा। रोज़ की तादाद कैसे इंक्रीज करनी है आपने, वो आपने सेटिंग से करनी है, ठीक है। मेलिंग्स, लेबल्स, लेबल्स के अंदर ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर डिटेल्स, यहाँ से आपने करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखें 6 हैं, 6 के बजाय मैं यहाँ पर कर देता हूँ 8, ठीक है। ओके पर क्लिक करता हूँ। अब ये कह रहा है कि मार्जिन लेबल्स एंड नंबर अक्रॉस और डाउन वैल्यूज़, वो कह रहा है एक पेज पर नहीं आ सकता ये, कि आप इसके मार्जिन को कम कर दें। अब मैं इसके जो वर्टिकल पिच है इसके मार्जिन को कम कर देता हूँ। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता, अभी भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम 7 कर देते हैं। अब देखते हैं, देखें अब आ जाएगा ये, अब 7 रोज हो जाएंगी आपके पास। न्यू डॉक्यूमेंट, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 7 किस तरह से हुई है व्यूअर्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो इसके दरमियान वक्फ़ा था, जो पिछले डॉक्यूमेंट के अंदर वक्फ़ा यहाँ पर शो हो रहा है, ये देखें ये जो दरमियान का वक्फ़ा है ये ख़त्म किया है, और दूसरे नंबर पे इसकी रो की तादाद मैंने 8 की थी, तो उसने कहा था कि एक पेज पर एडजस्ट नहीं होगा, तो मैंने रो की तादाद कितनी कर दी, 7, तो ये एक पेज पर एडजस्ट हो गया। तो व्यूअर्स एक मिसाल से और समझ लेते हैं लेबल्स को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम जाएंगे लेबल्स पे, लेबल्स पर जाने के बाद यहाँ पर अब लेबल चेंज कर देते हैं, स्टूडेंट का कोई लेबल बना लेते हैं। यहाँ पर स्पेल करते हैं रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम और क्लास, ठीक है। अभी अगर आपने रिजल्ट कार्ड पर प्रिंट करने हैं या स्टूडेंट्स की कॉपीज़ या बुक्स वगैरह पर प्रिंट करने हैं तो आप ये इस तरह के लेबल लगा सकते हैं। अब इसकी आप ऑप्शन में चले जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आपने कर लेना है A1, और यहाँ से 12 लेबल्स जो भी आपने करना है 12 वाला कर लें, 12 से ज़्यादा भी है यहाँ पर, ये 10 लेबल्स आ रहे हैं, ये 14 आ रहे हैं, और ये 12 हैं, ये 18 है, 18 लेबल्स वाला कर लेते हैं, ठीक है। यानी 9 रोज़ होंगी, एक पेज के ऊपर टोटल 9 रोज़ होंगी, टोटल लेबल होंगे 18, 9 × 18, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पर ओके पर, हम डिटेल में चले जाते हैं। डिटेल में जाने के बाद व्यूअर्स अब नंबर ऑफ नंबर डाउन इसको कर देते हैं 7, 8, 9, और यहाँ पे कर देते हैं 2 नंबर अक्रॉस 2, ठीक है। अब ओके पर क्लिक कर, ये यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हैं इसलिए एक पेज पर एडजस्ट नहीं हो रहा, तो हम इसको 8 कर देते हैं। अब देख अभी भी एडजस्ट नहीं हो रहा,
इसको हम कर देते हैं 7। ठीक है, यहाँ से पेपर साइज हम बड़ा कर देते हैं, लेटर कर देते हैं। अब देखते हैं, नहीं हो रहा, 6 कर दें, A4 साइज कर देते हैं। ओके, 6 पर एडजस्ट हो गया। न्यू डॉक्यूमेंट, ये देखिए जी एडजस्ट हो चुका है। मार्जिन बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हुआ हुआ है, इस मार्जिन को मैं थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पेज में जगह बाकी है। ठीक है, आप जाएंगे मेलिंग्स टैब में, लेबल में, और ऑप्शन पर जाने के बाद आपने डिटेल में जाना है, और यहाँ से ये जो साइड मार्जिन है ये बिल्कुल 0 इंच हुआ हुआ है, इसको मैं 0.5 इंच कर देता हूँ। ठीक है, 0.5 इंच हो गया। और ये जो लेबल है इसकी आप देख रहे हैं विड्थ ज़्यादा हुई हुई है, इसकी विड्थ कम कर देते हैं ताकि एक पेज पे 3 कॉलम्स आ जाएँ। ठीक है, इसकी विड्थ हम कम कर देते हैं यहाँ से। ये देखें जी, ये लेबल की विड्थ है, ये 2.76 इंच हुई हुई है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये देखें जी, ये कम हो गई। अब यहाँ पर हम कॉलम कर देते हैं 3। अब देखें, नहीं हो रहा, विड्थ और कम कर देते हैं। ओके, देखें अब एडजस्ट हो गया। ये देखें, अब यहाँ पर हमने विड्थ कम कर दी है, और जो पिच है वो पिच इंक्रीज हुई हुई है। अब इस पिच को, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पिच, इस पिच को भी यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं। मेलिंग्स पर जाएं, लेबल्स पर जाएं, लेबल पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन पर जाएं, ऑप्शन में आप डिटेल पर चले जाएं, डिटेल में हॉरिजॉन्टल पिच, ये देखें ये कम कर दी। ओके ओके, ये देखें, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब इस तरह सेटिंग्स आप बार बार करेंगे तो आप बिल्कुल इसको आसानी से एडजस्ट करने के काबिल हो जाएंगे। अब व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास पेज में कुछ जगह बाकी है, तो हम इसकी जो हमारी स्लिप्स हैं इसकी विड्थ को और बढ़ा सकते हैं। आप मेलिंग पर जाएं, लेबल्स पर जाएं, और यहाँ पर ऑप्शन पर जाएं, डिटेल पर चले जाएं, और यहाँ से विड्थ को 2 इंच है, ये 2.5 इंच कर देते हैं, 2.2 इंच कर देते हैं। ओके ओके, और न्यू डॉक्यूमेंट, ये देखें ये और भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो व्यूअर्स, बहरहाल बताने का मकसद ये था कि लेबल्स के ज़रिए से आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं, और चंद सेकंडों के अंदर आप एक पेज के ऊपर अपने हिसाब से लेबल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।